Welcome back to another vlog, guys. So finally, आज हम लोग चल रहे हैं इंडिया गेट के लिए. Well, अभी मैं हूँ जंगपुरा में और आई थिंक यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है इंडिया गेट. तो आई थिंक इंडिया गेट जाने के लिए हर दूसरे लड़के लड़की या किसी भी इंसान का सपना होता है कि भाई इंडिया गेट जाएं और सेल्फी लें. सो गाइस, तो फाइनली आज आप लोगों का ये जो पेशेंस है खत्म हो रहा है और मैं आज आप लोगों को इंडिया गेट का टूर कराने वाला हूँ. तो आप देख रहे हैं पीछे मुझे कितना डर लग रहा है भाई, पीछे से मतलब ये ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं कितना धीरे चल रहा है, मुझे डर भी लग रहा है. एनीवे गाइस, तो रनिंग स्टार्ट करते हैं, इंडिया गेट पहुँचते हैं आधे घंटे में. देन लेट मी शो यू गाइस द अमेजिंग व्यू ऑफ इंडिया गेट. आप लोग देख सकते हैं ये है, यहाँ से एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप अपने आप को 5 जगह पे देख सकते हैं. लोधी कॉलोनी, आई मीन हुमायूं का मकबरा एंड इंडिया गेट. 5 जगह नहीं गाइस, 3 जगह, मैं कंफ्यूज हो गया था. गाइस आप देख सकते हैं क्या शानदार रश है दिल्ली की सड़कों पे. सो दिल्ली में एक ही चीज तो बहुत है, रश रश रश. अभी देखिए एक तरफ से जो भी है ट्रैफिक खुला है और दूसरी तरफ भी लोग वेट कर रहे हैं. वेल, निकलते हैं इंडिया गेट के लिए भाई, लेट हो रहा है. Sometimes I feel very odd and all the time I'm trying to make things right. Doesn't matter what I need right now. I think still happy or nothing else. ओवरऑल गाइज पेशेंस आपका भी खत्म हुआ और मेरा भी. फाइनली 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद नाउ फाइनली मैं इंडिया गेट पे पहुंच चुका हूँ. वेल सो नाउ सो आई थिंक यू गाइज गेट रेडी टू टेक प्लेजर विद द हेल्प ऑफ इंडिया गेट. सो गाइज आई वुड सजेस्ट आप लोग तैयार हो जाएं इंडिया गेट का अमेजिंग देखने के लिए. इवनिंग में जो इंडिया गेट की ब्यूटी होती है ना गाइज, सच में यार आप लोग मिस करोगे. अगर आपको इंडिया गेट कभी आने का मौका भी मिले तो इवनिंग में आना, नॉट इन मॉर्निंग. मॉर्निंग में क्या है, बस आपको एक मॉन्यूमेंट जैसा गेट दिखेगा, इट्स ऑल अबाउट नथिंग. अगर आप इवनिंग में आते हैं ना गाइज, सच में आपको कलरफुल तिरंगा आपको अपनी देशभूमि नजर आएगी इंडिया गेट के अंदर. वेल कैमरा टर्न करता हूँ गाइज. ला, गंदी बात पुलिस आएगा ले जाएगा, क्या कर रहे हो, अरे भागो 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 भागो. द ब्यूटी ऑफ इंडिया गेट गाइज, नाउ यू कैन सी, अनबिलीवेबल गाइज. कभी भी टाइम मिले इवनिंग में जरूर विजिट करना इंडिया गेट. इंडिया गेट. इंडिया गेट भाई, यहाँ पे इतने लोग आए हैं कि अगर आप कुछ भी लेके आ जाओगे ना यहाँ पे सेल करने के लिए तो आपका डेफिनेटली वो बिक ही जाएगा भाई, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं. मतलब आई थिंक हिंदुस्तान के हर एक कोने से यहाँ पे व्यक्ति आता है और सेल्फी लेके जाता है. यहाँ पे देख लीजिए कि ऑलरेडी सेल्फी है, अपना फोटोज वगैरह लोग कैप्चर करवा रहे हैं. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया गेट हर एक दूसरे व्यक्ति का सपना होता है कि वो यहाँ पे आए और इंजॉय करे, इंडिया गेट के साथ अपनी फोटोज कैप्चर करवाए. अमेजिंग यार, अमेजिंग, वाओ वाओ.
इंडिया गेट की ब्यूटी देखने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है सच में, और इतनी ज्यादा पब्लिक है कि भाई कह नहीं सकता। करीब आई थिंक यार 25-30 हजार लोग होंगे, 25-30 हजार आई थिंक, मैं कमी बोल रहा हूँ और ही होंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। सो ये पूरा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, सो हर एक कोने पे इतने सारे लोग हैं कि आई कांट बिलीव, क्या है सच में यार दिल्ली में आई थिंक ट्रैफिक या रश का कारण ही यही है भाई, बहुत लोग हैं यहाँ पे भाई। देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूँ इंडिया गेट पे। भाई कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट पे आके? मस्त लग रहा है भाई। ये फिर से मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट पे आके? देख रहे हैं किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं इसीलिए भाई रोमांटिक मूड में है इस वक्त इंडिया गेट पे आके। भाई वेल आप लोगों को कैसा लग रहा है? सो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आए इंडिया गेट, इवनिंग में विजिट करें, काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे रश बहुत ही है, आई मीन यार 25-30 हजार लोग इतने तो होंगे ना भाई, आप सोच सकते हैं 25-30 हजार डेली इवनिंग में लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पिकनिक भी मनाने आते हैं, खाना पीना सब लेके आते हैं। वेल आप लोग भी आइए गाइस, अपने पेशेंस को आई थिंक अब आप लोगों को खो देना चाहिए। इंडिया गेट यू गाइस मस्ट विजिट। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सो फाइनली गाइज इंडिया गेट विजिट करने के बाद अब मैं यहाँ जिससे जा रहा हूँ सीपी, एक्चुअली मुझे वहाँ पे है कुछ काम। वेल गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट भी करना आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप सच में इंडिया गेट विजिट करने जा रहे हो या नहीं। वेल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। आई मीन माय लाइफ।